जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी इस वक्त मौजूद हूँ सिल्ली विधानसभा में, और सिल्ली का ये एक हाई स्कूल का मैदान है। सर जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं सिल्ली विधानसभा के बारे में? मैडम देखिए, सिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बिजली का है मैडम। अच्छा, बिजली, मोरी इंडालको फैक्ट्री इतना बड़ी है, वहाँ ना पानी, पानी का बहुत दिक्कत होता है गर्मी में। अच्छा, बहुत किल्लत है मैडम, आप कभी आइएगा गर्मी का दिन में। लेकिन आप तो सुनते हैं तीन तीन नदी है इस तरफ, तीन तीन नदी है, लेकिन वहाँ सिर्फ बालू चोरी करने के लिए है मैडम, पानी देने के लिए नहीं है। वहाँ पानी देने के लिए नहीं है मैडम, बालू चोरी करने के लिए है बस। वहाँ पानी नहीं देता है, बस बालू उठाता है नदी से। मैडम एकदम बदलेगा, जरूर बदलेगा, सब अपना खर्चा से आया मैडम। मेरा तीन दिन में 2000 रुपये खर्चा हुआ मैडम। अच्छा, जी फिर भी सपोर्ट करने आए हैं? जी मैडम, सिल्ली को सपोर्ट करने आए हैं। आपका भी फोटो आ गया है। रोड तक नहीं है, रोड तक नहीं है मैडम, मैडम इंडालको फैक्ट्री में जो सबसे नीचे स्तर में काम करने वाले हैं उनका मैडम मेडिकल, मेडिकल का पैसा कटता है लेकिन मेडिकल का फैसिलिटी नहीं मिलता है। चलिए ठीक है भैया, सबसे पहला बात रखिएगा कि सबसे पहले रोड के लिए जितने पैसा ले रहा है बालू वाला, रोड के लिए सबसे पहले बोलिएगा। बिल्कुल, रोड के लिए भी बोलेंगे। तो आप सुन रहे हैं सिल्ली विधानसभा की तस्वीरें हैं। चलते चलते बोलिए। हम मोरी बिसरिया से आते हैं ना। आज 20 साल से हम लोग सुदेश महतो जिताते आए हैं। हाँ। लेकिन फिर भी आज उन्होंने हम लोग का पानी तो भी बेच दिया, जैसे पंप हाउस है। हाँ हाँ हाँ। पानी उठने वाला। हाँ हाँ। और 1 करोड़ का योजना आया। हाँ। उसमें का किया, बस थोड़ा सा रिपेयरिंग किया और झूठ मूठ का गड्ढा खोदा। अच्छा। और जैसे बाथरूम में देने वाला पाइप गिराया है ना। हाँ। और उस पैसा को लिख दिया कि यहाँ बिसरिया में पानी चल रहा है, मतलब इतना बड़ा घोटाला। चलिए ठीक है सर, तो ये सिल्ली की समस्या है। सिल्ली की जनता जो है वो खुद बता रही है कि आखिर 20 साल में यहाँ पर सुदेश महतो जी ने क्या किया है। खैर, खबरें से हम अभी विदा लेते हैं। सिल्ली की समस्याएं हमने कोशिश की आपको दिखाएं, सिल्ली का नज़रिया हम आपको दिखाएं। सिल्ली में इस बार चुनाव पर किन लोगों की नज़र है और लोगों की सोच क्या है, हम सब आपके साथ।